कांग्रेस के गद्दारों को जूता मारो चले को, कांग्रेस के गद्दारों को जूता मारो चले को, खरीदी बिक्री बंद करो, बंद करो, बंद करो, खरीदी बिक्री बंद करो, बंद करो, बंद करो, कांग्रेस के गद्दारों को जूता मारो चले को, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अरे कांग्रेस के गद्दारों को जूता मारो चले को, जूता मारो चले को, जूता मारो चले को, कांग्रेस के बेईमानों को जूता मारो चले को, कांग्रेस के बेईमानों को जूता मारो चले को, गिरजा चंद्राकर जिंदाबाद, 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 गिरजा चंद्राकर जिंदाबाद, 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 कांत भैया जिंदाबाद, 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 कांत भैया जिंदाबाद, 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 खमन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुनना बुके देते हैं मैडम मंडल। मनोज जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं संजय सिंह सेंगर, आप देख रहे सदर्स न्यूज। अभी छरागा के अपन नगर पालिका में मौजूद है, यहां आज वोटिंग हुई है अपना अध्यक्ष चुनने के लिए, और उसमें देखे हैं कि तीन जो कांग्रेस के पार्षद थे वह बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, एक भीतरघात हुआ है, उसके बाद बीजेपी पार्टी की यहाँ जीत हुई है। तो जो भी यहाँ पे नागरिक आए हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे कि लोग क्या सोचते हैं और क्या आगे के लिए देखते हैं। तो अभी आपका नाम जानना चाहूँगा। जैसे मेरा नाम मानिक टंडन जी, आज का जैसे हुआ जीत हुई बताए हैं, तीन कांग्रेस पार्टी लोग बीजेपी पार्टी ज्वाइन किए हैं, एक भीतरघात हुआ है, तो क्या देखते हैं इसमें? नहीं भीतरघात नहीं हुआ, वो लोग तो स्वच्छतापूर्वक अपने अपने हिसाब से पार्टी में आए भाई। अच्छा हाँ, तो क्या लगता है बीजेपी का अध्यक्ष चुनने के बाद यहाँ जो विकास ही बहती गंगा हो पाएगी कि ऐसे कुछ? विकास अच्छा होगा क्योंकि यहाँ बीजेपी का ही सरकार है, मुख्यमंत्री भी बीजेपी का है, हाँ। पार्षद भी बीजेपी का ज़्यादा है, और यहाँ का जो नगर पालिका अध्यक्ष है वो बीजेपी का गिरजा चंद्राकर बना है, विकास अच्छा होगा। आप कैसे देख रहे हैं जैसे वहाँ पर इतना गहमी जैसा माहौल बना हुआ था? नहीं यहाँ तो पूरा सत्ता सरकार है, एक नंबर विकास होगा भैया, कहीं विकास में कोई बोलने लायक नहीं रहेगा। अच्छा हाँ, जो भी है अच्छा है। जैसे क्या ऐसे मन में आपकी उम्मीद होगी जो खेड़ागढ़ में ऐसा कुछ है जो विकास के ऐसा कुछ क्या लगता है? नहीं उम्मीद मैं देखता हूँ, आप अगर मान लो खेड़ागढ़ के लिए एंट्री करते हैं, अगर व्हाइट कपड़ा भी पहन के निकलते हैं तो खेड़ागढ़ यहाँ आते तक आपका व्हाइट कपड़ा पूरा गंदा हो जाएगा, इतना धूल धक्कर रहती है, कुछ रहता है उम्मीद ऐसा? नहीं ऐसा कोई धूल धक्का नहीं है भैया, खेड़ागढ़ स्वच्छ शहर है। अच्छा इतवारी में धूल दिखता नहीं है जी? नहीं अभी बरसात कारण हुए भैया उतना भी, और पिछला सरकार था इसलिए थोड़ा से काम में थोड़ा पेचीदा रहा है, अभी अच्छा। समय नया सरकार बने पूरा कार्यवाही एक नंबर होगा, काम धकाधक साए साए चलेगा। अच्छा ये बात है। हाँ बाबू कैसे? मैं ओम प्रकाश वर्मा विक्रमपुर से हूँ सर। हाँ और मैं अपने शिकायत के लिए आया था, हाँ। विक्रमपुर से आया हूँ क्योंकि जी। हमारे यहाँ सचिव है कुंजलाल वर्मा, हाँ हाँ। जो इंदिरावास को आया है, हाँ। उसको 5 आदमी का काट चुका है, प्रधानमंत्री आवास वाला जो हमारा मुख्यमंत्री दिया है उसमें 5 आदमी को काट दिया है, आवाज बन चुका है ऐसे करके, और हम लोग का आवाज 2011 से जनगणना की सूची में है, हाँ। उसके बाद और पैसा लेकर पूरा सचिव अपने आदमी का बनाता है और हम लोग को काट दिया है। तो बात क्या रखे यहाँ पे? हम लोग बात ये रखे कि हम लोग आए थे खैरागढ़, हाँ। नगर पालिका पास आए थे, लेकिन आज मीटिंग हो रहा है इसलिए समझ नहीं आ पा रहे हैं, हम लोग का समय नहीं बता रहे हैं, हाँ। तो हमसे ये गुजारिश है कि कुंजला सचिव को जानकारी पहुँचाए वहाँ तक के मन के चाहत रही से कि अध्यक्ष चेंज हुए, अध्यक्ष चुन के आगे हो, विकास से गाथा कैसे पहुँचे खैरागढ़ में, इसे कुछ मन? मैं सबसे पहले संगठन को धन्यवाद देती हूँ और सभी पार्षदों को धन्यवाद देती हूँ, हाँ। और जो अभी हमारे 3 पार्षद भाजपा में शामिल हुए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और विकास के बारे में मतलब हम जनता के बीच में जाएंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और सुनकर हम सभी पार्षद मिलकर उनका निराकरण करेंगे और खैरागढ़ का विकास करेंगे। क्या लगता है आपके बनने के बाद यहाँ पे कुछ चेंजेस आएगा? जैसे जरूर चेंजेस आएगा, उसको हम जल्द से जल्द मतलब वो जो सड़क जो है टूटी फूटी है उसको जल्द से जल्द हम लोग बनवाएंगे। जी जी ठीक है, मिठाई ले बघा रहा हूँ मैं, है ना। आज का दिन तो पूरे इतिहास में चेंज हो लग रहा है भैया, नाम दर्ज हो गया, तो आज की खुशखबरी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे ये धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरे शहर वालों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, उनकी भावना भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति रही है, पूर्व में जो विकास कार्य रहा है, और सभी पार्षदों का धन्यवाद है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर भरोसा किया है, और निश्चित रूप से आगामी जो 2.5 साल बचे हैं उन 2.5 वर्षों में शहर के विकास को लेकर बहुत अच्छे से काम किया जाएगा, उस बात का मैं आप सभी लोगों को भरोसा दिलाता हूं। कांग्रेस पार्टी कुछ पार्षद पार्टी ज्वाइन किए हैं, उन लोगों की नाराजगी देखी जा रही है, तो
क्या प्रमुख? देखिए, विष्णुदेव साय जी के सुशासन से प्रभावित होकर, माननीय नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व से प्रभावित होकर और विकास कार्य को लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में वृद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता को लेकर 3 कांग्रेस के पार्षदों ने छोड़ा है, पार्टी छोड़ा है और आज भाजपा के सदस्य बने हैं और एक उनमें से कोई से एक सदस्य ने अप्रत्यक्ष जो हम लोगों को सहयोग किया है उसके लिए भी मैं उन लोगों का धन्यवाद देता हूं। और इन सभी के नेतृत्व में जो हमारे अब 13 पार्षद हैं, उन सभी पार्षदों के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्ष के नेतृत्व में शहर में अच्छा काम हुआ। तो क्या लगता है जैसे काम रुके हुए हैं, धूल धक्कर की जैसे बात चले आती? बिल्कुल, क्या लगता है जैसे आप एक अंतर महसूस करेंगे? जी जी, योजनाबद्ध ढंग से शहर का विकास ये भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता रहेगी। जो विकास पटरी से उतरी हुई है उसको हम पटरी पर लाएंगे। शहर में जो बहुत ज़्यादा जो मांग है, शहर में जो कमियां रही हैं, उन सभी को व्यवस्थित ढंग से एक पहली योजना बनाया जाएगा और फिर उसको मूर्त रूप दिया जाएगा। हमारे सभी पार्षद हमारे साथ हैं।